हेलो फ्रेंड्स दिस इज पवन चौधरी वेलकम टू अन अकेडमी लेक्चर लाइव हो चुका है क्या <laughs> हो गया ना ठीक है क्योंकि okay, मुझे थोड़ा लिंक का कन्फ्यूजन था गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग एवरी वन वेरी फास्ट Join first. Jaldi <laughs> yaad. Yeah. छुपे बैठे थे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था आप लोग सोचते हो रोज सर का कुछ ना कुछ खो जाता है तो क्या करें यार दो ही चीजें उसमें से भी दो ही चीजें हैं उसमें से भी एक चीज खो जाती है एक मिल जाती है चलिए तो आ, वाला सीरीज हमारा चल रहा है इसमें हम लोग आ, जो हिस्ट्री यूनिट नंबर वन है यूनिट नंबर वन चल रहे हैं जो लोग नए हैं लेक्चर के अंदर उनको बता देता हूं कि एक नई सीरीज मैंने स्टार्ट की है और ये स्टार्ट हुई थी इस महीने की शुरुआत में फर्स्ट ऑफ नवंबर से जिसके अंदर हम लोग पूरा एम पी का सिलेबस छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके आपको पढ़ रहे हैं ताकि जब आपका आज से तीन चार महीने बाद पांच महीने बाद जब एग्जाम आए एम पी का तो उस समय तक ज्यादातर टॉपिक आपके ऑलरेडी आपको कंप्लीट हो जाए उस समय आप रिविजन और एम जो है उन्हीं के ऊपर आपको डिपेंड रहे कि उस समय आपको जब रिविजन करना है और एमसी करना है देखो कल क्लास नहीं ली तो आज बच्चे कम हो गए है ना मतलब क्या है अगर एक दिन अगर क्लास ना हो पाए इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि अगले दिन क्लास ही नहीं होगी ये क्या बात हुई ठीक है तो जो बच्चे नए हैं वो इस पूरी आपको प्लेलिस्ट जो है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अन अकेडमी का जो प्ले लिस्ट सेक्शन है इस चैनल का वहां जाएंगे वहां भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा हम वैसे तो बहुत आगे पहुंच चुके थे आगे पहुंच चुके थे मतलब परमार डायनेस्टी जो है वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे परमार एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी पढ़ चुके थे लेकिन गुप्त वाला जो पीरियड था ये गुप्त वाला जो टॉपिक था बीच में छूट चुका था तो इसलिए इस टॉपिक को अभी हम कंप्लीट करेंगे बीच में छूटा हुआ था क्योंकि हमने ऑलरेडी हम मॉडर्न में जाने वाले हैं और मिडिवल हिस्ट्री में जाने वाले हैं तो इसके लिए फिर ये बचा हुआ टॉपिक हम लोग पहले कंप्लीट कर लें ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो ठीक है तो अगर गुप्त रूल की बात करें गुप्त साम्राज्य की बात करें तो मध्य जैसे मौर्य साम्राज्य हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट उज्जैन और आसपास के रीजन में आपको फैला हुआ था उसी तरीके से जो गुप्त साम्राज्य है ये भी मध्य प्रदेश में जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश यहां तो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ या तो यहाँ यहां, यहां बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ इसका मेन जो डेवलपमेंट है गुप्त पीरियड का ये मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में आपको ज्यादा हुआ या इस, सेंट्रल पार्ट और ईस्टर्न पार्ट मतलब भोपाल विदिशा से लेकर तो सागर वाला जो पूरा रीजन है इस रीजन में गुप्त पीरियड का डेवलपमेंट खैर बाकी जगह भी हुआ लेकिन मेन जो डेवलपमेंट था वो सागर वाले रीजन से लेके तो भोपाल विदिशा तक का जो पूरा रीजन था इस रीजन के अंदर आपके गुप्त पीरियड है मध्य प्रदेश में इसका ज्यादा विकास है ज्यादा डेवलपमेंट हुआ अब अगर बेसिक चीजों की बात करें तो एज यू नो की जो इसके इनिशियल फाउंडर जो हैं वो श्रीगुप्त आपको माने जाते हैं श्रीगुप्त से इनिशियल फाउंडर उनके बाद एक और राजा हुए घटोत्कच तो ये दोनों जो है श्रीगुप्त और घट, श्री गुप्त और खटोत्क ये दोनों गुप्त वंश के इनिशियल राजा माने जाते हैं वास्तविक राजा मतलब शुरुआती राजा माने जाते हैं जिनके बारे में हमने इंडियन हिस्ट्री में पहले भी पढ़ा था और इन दोनों राजाओं ने एक टाइटल अडॉप्ट किया था उस टाइटल का नाम था था चंद्रगुप्त जिनको हम लोग बोलते हैं या जो राजा गुप्त है चंद्रगुप्त तो चंद्रगुप्त जो है पहले राजा थे रियल फाउंडर ऑफ द गुप्त तो पहले राजा जिन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना जो वंश है उस वंश का यहां पर आपको स्टेब्लिशमेंट किया और जिस दिन ये गद्दी पर बैठे थे चंद्रगुप्त उसी दिन उन्होंने गुप्त वंश जो है गुप्त संवत है गुप्त संवत का एस्टैब्लिशमेंट किया और गुप्त संवत की जो डेट है वो आती है 26 फरवरी 320 एडी तो 320 एडी से उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की जिसको हम लोग गुप्त एरा या फिर आपको गुप्त संवत यहां पर आपको कहा जाता है जैसे हमने देखा था 57 बीसी से एक एरा की शुरुआत हुई थी जिसको हम लोग कृत संवत बोलते थे फिर उसको हम लोग मालवा संवत आपको बोलने लग गए फिर उसी संवत को आगे जाके हम लोग अः क्या बोलते हैं आपका जो विक्रम संवत है तो विक्रम संवत कहने लगे इसी प्रकार से उन्होंने जो गुप्त संवत है उस गुप्त संवत का यहाँ पर आपको स्टैब्लिशमेंट किया तो ये तीनों राजा के टाइम पर तो मध्य प्रदेश में कोई ज्यादा बहुत ज्यादा एक्टिविटीज आपको नहीं हुई सबसे ज्यादा अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो पहली बार अगर बोलेंगे पहला गुप्त राजा जो मध्य प्रदेश में आया तो जहां तक अभी रिकॉर्ड मिले हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो समुद्रगुप्त है उन्होंने मध्य प्रदेश के एरिया के अंदर एंट्री की और इनका जो शासन था 335 से लेकर 375 सौ एडी तक इनका शासन माना जाता है और आपको पता है कि समुद्रगुप्त जो है इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है खैर नेपोलियन तो कई सारे वॉर हार गया था और इन्होंने कई सारे बैटल आपको जीती थे तकरीबन अपनी लाइफ में थर्टी से ज्यादा बैटल उन्होंने आपको लड़े बड़े बैटल लड़े छोटे छोटे मोटे तो कम से कम दो सौ बैटल इन्होंने लड़े होंगे लेकिन थर्टी जो बड़े बैटल है बड़े बैठे लड़े और लगभग लगभग पूरे भारत के ऊपर पूरे इंडिया पे आपको कैप्चर किया हमारा जो कंटेक्स प्रदेश का है तो हम उसी के कंटेक्स में आपको ज्यादा बात करेंगे तो जो समुद्र गुप्त है उन्होंने जब अपना हमला वगैरह किया और उसके बारे में जो प्रयाग प्रशस्ति है जो प्रयाग या फिर आपके इलाहाबाद के अंदर जो मेन इंस्क्रिप्शन है जो गुप्त डायनेस्टी के बारे में बताता है वो प्रयाग प्रशस्ति और प्रयाग प्रशस्ति में आ, जो हरिसेन थे उन्होंने तमाम चीजें लिखी कि उन्होंने किस किस रीजन में आपको शासन किया सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्यवर्त जो रीजन था आर्यवर्त के रीजन पर हमला किया और इस रीजन के अंदर जो नाग राजा थे तो उन नाग राजाओं को डिफीट किया और नाग राजाओं को डिफीट करके अपना शासन स्टेब्लिश किया अभी राजा कहां पर थे हमने जब मौर्य डायनेस्टी पढ़ी थी उस समय भी हमने इनके बारे में बात की थी तो ये लगभग मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है रीवा पन्ना और

उनको जो एक इंस्क्रिप्शन है आपका अभी जिस कॉल द सती इंस्क्रिप्शन स्वभोग नगर या सागर के पास एरेंट से मिलता है तो वो भी इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है उसके बाद उन्होंने कई सारे धर्म विजय आपको की साउथ के स्टेट पे कैप्चर किया विच इज नॉट रिलेटेड टू मध्य प्रदेश अगेन फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है या उत्तर जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन थे हिमाचल प्रदेश और उन रीजन में जाके हमला किया Again, के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बाद कई सारे और भी रिपब्लिक को जीता जो हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे हिसाब से यही है कि उन्होंने आत्विक स्टेट और उसके उसके बाद बाद आपके जो आर्यवर्त आर्यवर्त उन राजाओं को यहां पर आपको कैप्चर किया किया उनको कंट्रोल इनका जो मेन स्टेशन था ये जहां पर मेन ये रहते थे वो था आपका सागर वाला रीजन और सागर के रीजन को इनके टाइम पर स्वभोग नगर के नाम से जाना जाता था इट्स नोन एज स्वभोग नगर अब उसका रीजन क्या था कि कोई भी युद्ध लड़ता था बैटल लड़ता था तो बैटल लड़ने के बाद आराम करने के लिए अः ये इधर आता था आपके अः सागर के अंदर एरन के अंदर आता था क्योंकि एरन वाला रीजन जो है वो थोड़ा सा नेचुरली काफी अच्छा था ये पूरे माउंटेन वगैरह हैं उसके बाद पूरा घने जंगल हुआ करते तो यहां पर आके वो आराम करता इसलिए उसका नाम उसने स्वभोग नगर यहाँ पे रखा और एरन के अंदर इंस्क्रिप्शन जो है इंस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा खैर जो सती वाला इंस्क्रिप्शन वो काफी बाद में लिखा गया लेकिन उस समय उनके कई सारे जो किले वगैरह उन्होंने बनाए होंगे खैर अगेन कोई किला हमको यहाँ पे मिला नहीं है क्योंकि मैक्सिमम जो किले थे उस समय वुडन के मिलते थे तो कुछ कुछ सबूत हमको इनके स्टोन जो पिलर वगैरह है वो कुछ कुछ चीजें यहाँ पर आपको मिली है जो इनसे संबंधित है या आपके समुद्र गुप्ते संबंधित तो एरन इंस्क्रिप्शन जो है वो काफी बात का था सुभोग नगर जो है सुभोग नगर इन्होंने स्टैब्लिश किया और यहां पर वो लंबे समय तक आपको आराम करते थे अब गुप्त के टाइम पर अगर देखा जाए तो गुप्त के टाइम पर जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन है टेम्पलों का निर्माण होना भी शुरू हुआ मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ क्योंकि गुप्त का जो पीरियड है इसको क्लासिकल एज कहा जाता है या बोल सकते शास्त्रीय युग कहा जाता है या द एरा ऑफ द गुप्ता इज कॉल्ड द गोल्डन एज तो भारत के अंदर दो गोल्डन एज मानी जाती है एक गोल्डन एज जो है ये आ, आपको आ, क्या बोलते हैं आपका गुप्तों का माना जाता है और सेकंड जो गोल्डन एज है वो जहांगीर के बाद से शुरू होता है जहां क्योंकि जहांगीर के बाद भी भी लिटरेचर और म्यूजिक वगैरह पेंटिंग वगैरह इनका काफी डेवलपमेंट आपको हुआ तो एक सेकेंड एज वो मानी जाती है और पहली जो एज है पहली एज जो है वो गुप्त पीरियड की मानी जाती है कि गुप्त पीरियड से या गुप्त वंश जो है यहां से फिर आपका हिंदुजम का डेवलपमेंट शुरू हुआ क्योंकि इसके पहले जितनी भी डायनेस्टीज हुई चाहे मौर्य डायनेस्टी हो गई चाहे वो शुंग हो गए या बाकी जितनी भी डायनेस्टी तमाम डायनेस्टी आपको हुई शक वगैरह हो गए तो मैक्सिमम जो लोग थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे और अभी क्या हुआ कि जैसे ही ये साम्राज्य आया तो ये हिंदुजम को फॉलो करते हैं क्या ये उसमें हिंदुज्म तो नहीं था लेकिन फिर भी ये लोग जो वैष्णविज्म है उसको फॉलो यहाँ पर आपको करते हैं या वैष्णव धर्म जो है उसको फॉलो करते हैं मतलब भगवान जो विष्णु है उसकी पूजा करते हैं तो इनके आने के साथ ही मतलब गुप्त पीरियड के आने के साथ ही भारत के अंदर जो एक बड़ा डेवलपमेंट एक बड़ा विकास जो है वो कला और संस्कृति में यहाँ पर हुआ यहाँ पर अजंता एलोरा जैसी के बाघ की केव धार में तो जो हिंदुज्म है उस हिंदुजम का डेवलपमेंट हुआ चाहे उदयगिरी की केव्स आपको हो तो हिंदुइज्ञम या हिंदू धर्म या बोल सकता है वैष्णव धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया साथ ही जो गुप्त जो बुद्ध धर्म था इसका उन्होंने कोई सपोर्ट आपको नहीं किया इवन इन्होंने जैनिज्म को भी सपोर्ट किया लेकिन बुद्ध को किसी प्रकार का बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा कोई पैट्रोन या संरक्षण इन्होंने आपको नहीं दिया और इनके टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट गुप्त के टाइम पर जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ या जो अभी के टाइम पर हम जो मंदिर देखते हैं तो उन मंदिरों के शुरुआती जो मंदिर थे वो गुप्त पीरियर

तो पन्ना और सतना में टेम्पल मिलेगा बुद्ध टेम्पल मिलेंगे आगे नाम देखेंगे इनके उसके बाद सुपिया के अंदर एक इंस्क्रिप्शन आपको मिलता है रीवा में फिर जैसे पन्ना है तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टेम्पल है पार्वती टेम्पल और नशना कटूरा फिर सतना के अंदर जो है शिव टेम्पल है भूमरा के अंदर ठीक है फिर सूपिया के अंदर एक इंस्क्रिप्शन मिल जाएगा जबलपुर में वन ऑफ द मोस्ट फेमस तिगवा मंदिर जो है तिगवा टेम्पल आपको मिल जाएंगे उसके बाद सागर के अंदर एरन है जहां पर एक इंस्क्रिप्शन मिलेगा सती अभिलेख और उसके अलावा समुद्र गुप्त के टाइम का भी एक अभिलेख यहाँ पे मिलेगा फिर रायसेन में सांची है और सांची के अंदर जो अभिलेख है सांची अभिलेख में भी हमको गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है अब सांची अभिलेख में जैसे मैंने आपको बताया था कि सांची अभिलेख में हमको मौर्य उसके बाद सतवाहन और उसके बाद आपके जो गुप्त हैं इन तीन जो डायनेस्टीज हैं इन तीन डायनेस्टीज की बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको सांची इंस्क्रिप्शन से मिलती है फिर उदयगिरी केव है विदिशा के अंदर वहां पे केव भी है केव के साथ में आपको टेंपल भी आपको बाकी उसके बारे में डिटेल की बात करेंगे तो केव इंस्क्रिप्शन भी यहां पर है तुमेन इंस्क्रिप्शन है अशोकनगर में जो अगेन गुप्त के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है अशोक के बारे में देता ही था यहां भी इंफॉर्मेशन है फिर मंसौर के अंदर आपको मंसौर इंस्क्रिप्शन है जो बेसिकली आ, लिखा गया बनाया गया था ओलिकार जो डायनेस्टी थी मंसौर की और ओलिकार के जो राजा थे आ, आपके बंधु वर्मन वो आ, आपके जो गुप्त राजा थे तो उनके सामंत या उनके फिट्री हुआ करते थे तो उसके कारण बंधु वर्मन के टाइम पर भी मंसौर इंस्क्रिप्शन में हमको कुमार गुप्त वगैरह की जानकारी आपको मिलती है फिर धार के अंदर बाघ है बाघ के अंदर बाघ केव है बड़ी सुंदर केव बनी हुई है और ये केव जो है अजंता जो पीरियड था उस पीरियड की मानी जाती है ठीक है तो ये तमाम इंस्क्रिप्शन या शिलालेख है मंदिर या केव वगैरह है ये हमको गुप्त पीरियड के टाइम पर आपको मिलेगा उस वंश के टाइम पर आपको मिलेगा ओके थैंक यू शिवा भाई बस रेगुलर आओ अरे यार बच्चे कम हो गए यार मजा नहीं आता बच्चे कम होते हैं तो पहले लेक्चर जैसे सत्तर अस्सी बच्चे क्यों नहीं है गलत बात है यार ये तो चलिए तो ये जो तमाम इंस्क्रिप्शन है

तो रामगुप्त नाम के एक राजा हुए जिनका डिस्क्रिप्शन हमको कहीं भी आ, जो आ, आपके गुप्तों की जो जर्नोलॉजी है उस गुप्तों की जर्नोलॉजी के अंदर आपको नहीं मिलता है जो राजवंश की जो परंपरा या उनके जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह है उसमें हमको इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है तो बट फिर भी मध्य प्रदेश में बारे में जानकारी हमको मिलती है और ये माना जाता है कि जा, समुद्रगुप्त की जब डेथ हुई तो उनके बाद जो रामगुप्त हैं जो बड़े भाई थे समुद्रगुप्त के तो ये राजा बनते हैं और ये राजा बनने के बाद यहां पर एक जैसी किंग बनते हैं तो एक खून राजा था उसका नाम था श्रीधर वर्मन और जो श्रीधर वर्मन था तो श्रीधर वर्मन क्या करता है इनकी जो वाइफ थी इनकी पत्नी थी शक राजा था सॉरी मैंने हुआ बोल दिया शक राजा जो था श्रीधर वर्मन तो श्रीधर वर्मन ने अटैक किया इनके ऊपर और इनके ऊपर अटैक करके इनकी जो वाइफ थी उनको उठा के ले गया ध्रुव देवी उनका नाम था उनको उठा के ले गया और आ, फिर बाद में ये हुआ कि उसने ट्रिटी उनके साथ में कर ली कि ठीक है तुम मेरी पत्नी को रख लो राज्य वापस लौटा दो तो ये उनके बीच में आपको फाइनल हो गया लेकिन ये बात जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो सेकंड थे जो बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड बने तो चंद्रगुप्त जो सेकंड थे चंद्रगुप्त द्वितीय उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने फिर जो श्रीधर वर्मन है इसके ऊपर आपको अटैक किया और इसके ऊपर अटैक करके इनकी जो भाभी थी उनको वहां से छुड़ा के लाए और उसके बाद इनका जो भाई था रामगुप्त उसको भी इसने उन्होंने किल कर दिया कि इतना डरपोक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया वगैरह वगैरह करके इन दैट केस उन्होंने वो हमला करके उसकी यहां पर आपको हत्या कर दी उसको मार दिया और फिर खुद यहां पर आपको राजा बन गए अब ये स्टोरी कुछ इतिहासकार मानते कुछ नहीं मानते अब रामगुप्त थे या नहीं थे इसको लेके कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती मध्य प्रदेश में ही रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है उसके अलावा देश में कहीं कोई जानकारी रामगुप्त के बारे में आपको नहीं मिलती अब क्या क्या एविडेंस है जो बताते हैं कि चंद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त राजा के रूप में उन्होंने आपका जो शासन है वो शासन यहां पर आपको किया तो पहला जो उदयगिरी की केव है इन केव में हमको रामगुप्त राजा जो है उसकी जानकारी आपको मिलती है कि रामगुप्त का नाम का जो एक राजा है एक राजा हुआ करता था और उसके कई सारे जो वहां पर इंस्क्रिप्शन वगैरह हैं उनमें रामगुप्त की जानकारी मिलती है तो पहला एविडेंस जो उदयगिरी की केव है दूसरा एविडेंस हमको मिलता है कि जो यहाँ पे जो कॉइन है तो रामगुप्त के कॉपर कॉइन यहाँ पर आपको मिलेंगे अब एक बड़ी बात है कि जो गुप्त राजा थे वो गोल्ड कॉइन के लिए जाने जाते थे है ना मालवा टाइप गरुड़ टाइप ध्रुव अलग अलग टाइप के जो कॉइन है कुमरा देवी टाइप तो अलग अलग प्रकार के गोल्ड कॉइन जारी करते थे अब समुद्रगुप्त तो बहुत रिच था चंद्रगुप्त सेकंड भी बहुत रिच था लेकिन भाई साहब इनको पता नहीं क्या गरीबी आ गई कि कॉपर के सिक्के जारी किए है।, है ना आप ये बात याद रखना कि अगर कोई राजा कॉपर के सिक्के जारी कर रहा है इसका मतलब वो राजा गरीब है मतलब उसके राज्य में इतना पैसा नहीं है तो जितना रिच राजा होगा उतना ज्यादा बेटर होगा उतना ज्यादा वो गोल्ड के कॉइन वगैरह आपको जारी करेगा तो रामगुप्त ने जो है वो कॉपर के सिक्के यहाँ पे जारी किए जो हमको विदिशा और एरन के अंदर हमको इनके कॉपर के कॉइन मिलते हैं खैर अब ठीक है जो जारी किए तो किए कोई बात नहीं तो ये कॉपर के कॉइन थे जहां पर उन्होंने रामगुप्त जो है रामगुप्त अपना नाम लिखा और बोला कि ये एक गुप्त राजा है, है।, है, है इंस्क्रिप्शन मिले हैं कुछ सिक्के भी यहां पर आपको मिले हैं और यहां पर कई सारी जैन मूर्तियां हैं खैर वो मूर्तियां अभी तो टूट चुकी है फोर्थ सेंचुरी की मूर्तियां मिली है जिनके ऊपर महाराजा धीराज रामगुप्त लिखा हुआ है महाराजा धीराज रामगुप्त ठीक है अब देखो चंद्रगुप्त जो

मतलब उनकी पत्नी को उठा के ले गया था तो उसके बारे में जो देवी चंद्र गुप्त है उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि श्रीधर वर्मन है वो गुप्त राजा रामगुप्त की पत्नी को उठा उठाकर लाया आपको बताई वो स्टोरी वहां पर भी आपको मिलती है इसका मतलब ये चार चीजों से हमको प्रूव होता है कि जो रामगुप्त है रामगुप्त यहाँ पर आपको राजा रहा क्वेश्चन आएगा कि अः प्रीमी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आता है कि श्रीधर वर्मन जो है वो या फिर अः किस अभिलेख से किससे हमको रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है तो उदयपुर केव से मिलती है उसके बाद विदिशा और इन सिक्के मिलते हैं उनके कॉपर के फिर दुर्जन अभिलेख जो है दुर्जन दुर्जनपुर के अंदर उनकी मूर्तियां मिलती हैं फिर देवी चंद्रगुप्तम में उनके बारे में आपको विशाखा दत्त ने आपको लिखा तो ये एविडेंस डायरेक्ट यहां पर आपको है अब कौन से एविडेंस इनके अगेंस्ट जाते हैं उनके विरोध में जाते हैं तो पहली बात कि जो ये राजा था आपका रामगुप्त इसने जैनिज्म को अडॉप्ट किया जैन धर्म को अडॉप्ट किया अब बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है अब ऐसा हो भी सकता नहीं भी हो सकता है ना जैसे हम लोग अगर बात करें मौर्य पीरियड की तो चंद्रगुप्त जो तो चंद्रगुप्त मौर्य थे he adopted the फिर जो बिंदुसार थे अडोप्टेड आजीविका अशोक आए उन्होंने आपका बुद्ध धर्म को अडॉप्ट किया कुणाल ने नहीं किया उसका दशरथ ने अडॉप्ट किया और महेंद्र ने अडॉप्ट किया कुणाल ने अडॉप्ट नहीं किया बहुत बाद में अडॉप्ट किया तो ये जरूरी नहीं है कि वो जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया तो वो गुप्त राजा नहीं हुए लेकिन एक परंपरा थी कि ये हमेशा से वैष्णव थे बट फिर भी उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया तो कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि इसलिए ये गुप्त राजा नहीं है तो दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि इनकी जो जेनोलॉजी है इनका जो राज जो भी जेनोलॉजी मिली है पूरी उनकी बोलते हैं कि वंशावली मिली है वहां पर रामगुप्त का कहीं भी आपको नाम नहीं है उसके बाद जितने भी राजा थे जैसे बताया कि कॉपर के सिक्के इन्होंने जारी किए बाकी सभी राजाओं ने गोल्ड के सिक्के जारी किए इसके बाद जब अंदरगुप्त तो सेकंड आए उन्होंने भी गोल्ड के सिक्के जारी किए तो इनको ऐसा क्या अकाल पड़ गया कि उन्होंने कॉपर के सिक्के जारी कर दिए तो ये कुछ चीजें जो है ये इनके अगेंस्ट यहाँ पर आपको जाती हैं या इनके विरोध में यहाँ पे जाती है कि ऐसा कोई नाम का राजा या है यहां पर आपको रहा ही नहीं तो ये कुछ चीजें याद रखना इसके माध्यम से जो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन वगैरह है जैसे ये ये दुर्जनपुर हो गया या विदिशारण में से क्यों हो गए फिर उदयगिरी के केज में हो गए ये चीजें आपको याद रह जाएंगी कि ये ये एविडेंस या ये ये सबूत जो है ये सभी तु, सबूत उन्होंने यहां पर आपको प्रेजेंट किए थे तो दोनों चीजें जो है दोनों चीजें आप लोग यहां पर आपको याद रखना ठीक है तो ये तो बात हो गई आपके रामगुप्त के बारे में जो था नहीं था दोनों एविडेंस हमने देख लिए और अकॉर्डिंग टू हमारी स्टोरी रामगुप्त थे उसके बाद समुद्रगुप्त सेकंड जो है वो राजा बने उनकी श्रीधर वर्मा को मारा और मारने के बाद रामगुप्त को भी किल किया और खुद सत्ता पे आके बैठ गए और उनकी जो पत्नी थी ध्रुव देवी उनके साथ रामगुप्त ने या सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड ने आपको शादी कर ली और अब चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर धीरे-धीरे जो उज्जैन और आसपास का रीजन है ये भी गुप्त राजाओं के अंडर यहां पर आपको आ गया तो इनके टाइम पर इन्होंने मालवा जो वाला जो रीजन था उस मालवा वाले रीजन पे आपको ज्यादा कैप्चर किया अब चंद्रगुप्त जो सेकंड है इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया उसका नाम था विक्रमादित्य तो चंद्रगुप्त तो विक्रमादित्य सेकंड हो गए फिर अच्छा एक और राजा का नाम बताओ जिसने विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया मिडिवल हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत में ठीक है फिर शकारी करके टाइटल अडॉप्ट किया सिंह विक्रम उसके सिक्कों पे आपको मिलता था उसका नाम था सिंह विक्रम तो तीन अलग अलग जो टाइटल है या और भी टाइटल है जैसे विक्रमादित्य शकारी सिंह वर्मन ऐसे कई सारे टाइटल इन्होंने यहां पर आपको अडॉप्ट किए उसके बाद सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट जो टाइटल है इट इज कॉल्ड <laughs> जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको टाइटल है इट्स कॉल्ड द शकारी अब देखो यहाँ पर दो चीजें एक गर्भ दिल्लभ डायनेस्टी के बारे में आपको अलग से बताऊंगा कि उस वंश में क्या क्या चीजें आपको हुई लेकिन एक बीच में मैंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था कि 57 बीसी में एक उज्जैन के अंदर एक डायनेस्टी थी उसका नाम था गर्भ दिल्लभ डायनेस्टी और उस गर्भ दिल्लभ डायनेस्टी के राजा थे विक्रमादित्य चंद्रगुप्त तो उसके राजा थे सॉरी तो उन्होंने क्या करा था? कि उस समय जो शक थे उन शकों को पराजित किया या शक किंग जो है उन शक किंगों को पराजित किया और शक किंग को पराजित करने के बाद उन्होंने शकारी का टाइटल तो उसी तरीके से जो विक, चंद्रगुप्त तो विक्रमादित्य है इन्होंने भी आ, आपके उज्जैन और आसपास के रीजन के जो शक राजा थे उनको पराजित किया और उनको पराजित करने के बाद शकारी का जो टाइटल शकारी मतलब शको को हरने वाला को मानने वाला तो शिकारी हो गया तो दोनों राजाओं ने शिकारी का टाइटल आपको अडॉप्ट किया है अकॉर्डिंग टू हिंदी ग्रंथ दोनों राजा अलग अलग थे अब चंद्रगुप्त जो सेकंड है इसका पीरियड देखो तीन से लेकर चार सौ चौदह और विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ विक्रम संवत स्टार्ट हुआ फिफ्टी सेवन फिफ्टी बीसी में तो कहीं से कहीं तक कोई टाइम पीरियड नहीं मिल रहा कि चार साल बाद क्यों स्टैब्लिश करेगा ना चार साल बाद क्यों स्टैब्लिश करेगा तो जो हम विक्रम संवत जो बोलते हैं वो एक्चुअली गर्भ डायनेस्टी के जो राजा थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था ठीक है इनके द्वारा उसको स्थापित आपको नहीं किया गया तो उन्होंने शकारी जो टाइटल है शकारी टाइटल आपको अडॉप्ट किया खैर दोनों का शकारी टाइटल हमको मिलता है लेकिन वो बेसिकली जो गर्भ डायनेस्टी के आपको राजा थे तो ये चीज आपको क्लियर कर लेना उसके बाद इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है मध्यप्रदेश में उदयपुरी केव से उदयगिरी की जो केव है इन उदयगिरी केव में मतलब मैक्सिमम जो केव है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आपको मरी और उदयपुरी उदयगिरी के जो केव है वो बेसिकली ब्राह्मणिकल केव है ब्राह्मणिकल केव मतलब ब्राह्मण धर्म की के पहली केव मानी जाती है ठीक है क्योंकि जैसे आपको बताया कि गुप्त पीरियड में आ, आपके जो ब्राह्मणिज्म है उसका डेवलपमेंट या जो वैष्णविज्म है उसका डेवलपमेंट या उसका विकास होना शुरू हुआ और इसी समय पर हमको जैसे उदयगिरी की के जो केव है इन केव में हमको भगवान गणेश की पहली मूर्ति मिलेगी फिर जो सुर मर्दिनी है उनकी मूर्ति मिलेगी भगवान विष्णु की मूर्ति मिलेगी वराह अवतार की मूर्ति मिलेगी तो पहली बार कोई ऐसी जगह है जहां पर ब्राह्मणिकल केव है क्योंकि इसके पहले जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों धर्मों की केव हुआ करती थी जो उनके संत वगैरह थे वो केव के अंदर आपको रहा करते थे लेकिन पहली बार कोई ब्राह्मण जो केव है वो गुप्त टाइम पर आपको बनी और इस समय पे इनके एक सेनापति थे उनका नाम संधि वि थे संधि वि मतलब एक अधिकारी होता है जो टैक्स कलेक्ट करता है उसका नाम था वीरसेन तो वीर सेन नाम का उनके एक संधि विग्राहक और या वॉर एंड पीस मिनिस्टर शांति मंत्री थे और संधि विग्राहक थे वीरसेन इन्होंने वहां पर एक केव केव का निर्माण किया उस केव को कहा जाता तवा केव 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 तो उस उस का निर्माण किया उन्होंने बनवाई वहां और उस केव के अंदर चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी उस केव के इंटीरियर पार्ट में आ, 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 आपके जो एक कमल है कमल का फूल बना हुआ है और उसके अंदर फिर चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जानकारी मिली तो एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है मध्य प्रदेश में जो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में डिफाइन करता किसने वीरसेन उनका संधि विग्रह कि वॉर एंड पीस मिनिस्टर था उसने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया एक मिनट रुकना जस्ट वेट एक मिनट बिल्कुल है बिल्कुल राइट आंसर इज हेमू उसने विक्रमादित्य का जो टाइटल था वो अडॉप्ट किया था लास्ट हिंदू राजा उसको माना जाता है ठीक है खैर कुछ लोग आपके जो <coughs> पृथ्वीराज चौहान है उनको भी बोलते हैं बट मेरे अगर देखा जाए तो जो हैमूद थे है, उन्होंने कुछ समय तक दिल्ली पर शासन किया था क्या? तो ये उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा चंद्र उदयगिरी की केव के अंदर कौन सी केव में इसकी इन्फॉर्मेशन मिली या वो केव किसने बनवाई कई बार व्यापम वगैरह में क्वेश्चन जो है वो आ भी चुका है यहाँ पे तो ये चीजें यहाँ पर इसके संबंध में आपको याद रखना और उसके अलावा जो ऑलरेडी मैं आपको विक्रम संवत के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ जो 57 सेवन बी में स्टार्ट हुआ उसको मालव संवत भी कहा जाता है या उसको कृत संवत भी कहा जाता है और उसको फिर विक्रम संवत भी कहा जाता है तो उस विक्रम संवत का आपके जो चंद्रगुप्त तो विक्रमादित्य है उनसे कोई संबंध नहीं है इंडियन हिस्ट्री यही बोलती है कि ये वही चंद्रगुप्त तो विक्रमादित्य है जिन्होंने उसको लिखा लेकिन जब प्रूफ मांगते कि भाई बता दो दोनों में 400 साल का अंतर है तो ऐसा क्यों हुआ तो कुछ लोग बोलते कि उन्होंने पहले से उसको स्टैब्लिश कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली स्टैब्लिश कर दिया ऐसा तो होता नहीं है लेकिन जब हमारे यहाँ पे उज्जैन वगैरह में स्टडी हुई तो गर्भ दिल्लभ के बारे में जानकारी मिलती है और ये हिंदी ग्रंथ अकेडमी के अंदर मैंशन भी है और हिंदी ग्रंथ अकेडमी एक तरीके से गवर्नमेंट का ऑथेंटिक सोर्स है ए अप्रूव्ड सोर्स होता है तो जो भी ए के रिसर्च होते हैं उनके आधार पर ही वो लिखते हैं तो ये बात आप एक्सेप्ट कर सकते हो हंड्रेड परसेंट आपको सत्य चीज है चलिए तो ये बात हुई आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उसके बाद अगले जो राजा हुए अगले राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है उनके बाद अगले राजा हुए उनका नाम था कुमार गुप्त यहाँ पे हुए और कुमार गुप्त जो थे इनके टाइम पर धीरे धीरे इन्होंने जो मंसौर वाला रीजन था उस वाले रीजन पे कैप्चर तुमेन से लेके तुमेन एरन वाला रीजन और उसके साथ में धीरे धीरे मंदसौर और आसपास का जो रीजन था उस रीजन में अपना एक्सपेंशन करना शुरू किया धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ा के मंदसौर तक पहुंचने लग गए पहले ईस्टर्न पार्ट में थे फिर धीरे धीरे करके आपको वेस्टर्न पार्ट की तरफ बढ़ते गए और धीरे धीरे फिर ओलीकार की तरफ यहां पर आपको आते गए ओलिकार थे आपके मंसौर के अंदर थे औलीकार डायनेस्टी जो दशपुर जिसको कहा जाता था पुराना को एक लेक्चर उसके ऊपर भी आपको आएगा ठीक है तो वहां पर है उसके बाद 436 एडी में 436 एडी के अंदर एक मंसूर शिलालेख यहां पर आपको लिखा गया और मंसूर शिलालेख जो है इसके अकॉर्डिंग मंसूर का जो राजा था वो ओलिकार का जो राजा था बंधु वर्मन वो उनका था पहले तो ये एक इंडिपेंडेंट राजा था स्वतंत्र राजा था। लेकिन बाद में इसने क्या करा कि जो कुमार गुप्त है कुमार गुप्त की सोवरिटी या उसके जो प्रभुत्व संपन्नता को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर आपको राजा यहाँ पर आपको बन गया और जो बंधु वर्मन है उनके टाइम पर हमको जानकारी मिलती है कि यहां पर जो लाट प्रदेश लाट प्रदेश मतलब जो गुजरात स्टेट था तो वहां पे कई सारे सिल्क के जो वीवर्स थे या सिल्क का या रेशम का कपड़े करने वाले काम करने वाले जो बुनकर थे वो बुनकर इस स्टेट में या मंदसौर के अंदर आए और मंदसौर में आके उन्होंने अपना जो भी काम वगैरह सिल्क वीविंग वगैरह करना यहाँ पर आपको स्टार्ट किया और यही जो रेशम विवर थे उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर है इट्स कॉल्ड द खिलचीपुर करके एक जगह है खिलचीपुर के अंदर एक भगवान सूर्य का एक मंदिर जो है भगवान सूर्य का एक मंदिर बनवाया तो देश के सबसे शुरुआती जो सूर्य मंदिर थे या मध्य प्रदेश का सबसे शुरुआती जो सूर्य मंदिर है वो हमको मंदसौर के अंदर यहाँ पर आपको मिलता है जो तकरीबन 437 हंड्रेड के आसपास खिलचीपुर में आपको बनाया और किसने बनाया जो लाड प्रदेश के जो सिल्क वीवर थे उन्हें सूर्य मंदिर की आपको स्थापना की तो याद रखना मध्य प्रदेश का सूर्य मंदिर कहां पर है खिलजीपुर में आपको है और भी है और भी पढ़ेंगे एक खिलजीपुर में आपको है और उसके अलावा द सेकेंड थिंग इज दैट कि इसको रेशम जो वीवर थे या सिल्क वीवर थे उन सिल्क वीवर ने आपको बनाया था क्वेश्चन भी आएगा किसने बनाया या किसके टाइम पर जो सिल्क वीवर है या आपके रेशम के जो व्यापारी थे वो मध्य प्रदेश में स्थापित हुए मंदसौर में स्थापित हुए तो बंधु वर्मन भी यहां पर आपको याद रखना औलीकार हम अलग से पढ़ेंगे डोंट वरी ठीक है ये याद रखना उसके बाद बाद में जो पुष्यमित्र जो राजा हुए या जिनको युद्ध मित्र भी कहा जाता था तो पुष्यमित्र के टाइम पर उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट बैटल हुआ और उस बैटल के अंदर माना जाता है कि बंधु वर्मन जो है उसके अंदर आपको डिफीट यहां पर आपको होगा और उसके बाद जब ये पुष्यमित्र ने जब हमला किया तो उस हमले में पुष्यमित्र का जो बेटा था स्कंदुप्त उसने नर्मदा नदी के, के किनारे एक इंपॉर्टेंट आपको बैटल हुआ और उस बैटल के अंदर जो स्कंद हैं उन्होंने जो युद्ध मित्र थे या जो आपके जो पुष्यमित्र थे इनको डिफीट किया तो नर्मदा के किनारे हुई जो इंपॉर्टेंट बैटल है उनमें से ये एक है एक बैटल हुई थी आ, आपके हर्षवर्धन की नर्मदा किनारे और एक बैटल जो है पुष्यमित्र और स्कंदगुप्त के बीच में हुई थी जहां पे स्कंद गुप्त जो है वो मालवा पे कैप्चर करना चाहता था लेकिन स्कंद गुप्त जो है सॉरी जो पुष्यमित्र था वो कैप्चर करना चाहता था और स्कंद गुप्त ने उसको आ, वापस डिफीट कर दिया उनका बेटा था तो वो इन्फॉर्मेशन भी हमको मंसौर के इंस्क्रिप्शन से मंसौर शिलालेख से यहां पर आपको मिलती है ठीक है उसके बाद अगले जो राजा बने उनका नाम था स्कंदगुप्त और स्कंदगुप्त का जो साम्राज्य था 455 एडी से लेके 467 एडी तक आपको रहा तो उसका बेटा था उसका इसने भी क्या किया इसने भी विक्रमादित्य का जो टाइटल है विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड ने अडॉप्ट किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उसी तरह स्कंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया उसके बाद इसने जो आ, जैसे आ, सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड और उसके बाद आपको स्कंदगुप्त तो इन लोगों ने अशुमेघ यज्ञ जो है वो अश्वमेघ यज्ञ यहाँ पर आपको ज्वाइन किया उसको अशुमेघ यज्ञ जो है उस उसको ऑर्गेनाइज किया साथ ही इनके टाइम पर जो है उन हूण का इन्वेजन भी आपको माना जाता है कि स्कंद गुप्त के टाइम पर जो हूण है उनका इन्वेषन होना स्टार्ट किया और कई सारे कैप्चर करना चाहते थे लेकिन स्कंद गुप्त ने उन को यहां पर आपको रिपील कर दिया उनको डिफीट यहाँ पर आपको कर दिया और मध्य प्रदेश के एरिया के अंदर इनका कंट्रोल रहा कुछ कुछ एरिया जो है माना जाता है कि हूण ने कैप्चर किया जिसको अगेन स्कंद गुप्त ने आपको रिपील कर दिया उनको उसके बाद इनके जो सिक्के हैं हमको मिलते सौकर नाम की एक जगह साकुर करके एक जगह है आपके दमोह के अंदर तो साकुर नाम की जब एक जगह पे हमको इनके जो सिक्के हैं वो सिक्के पर आपको प्राप्त होते हैं ठीक है ठीके? तो ये स्कंदुप्त को याद रखना जिनके टाइम पर सकोर में सिक्के मिलते हैं और हूं को इन्होंने मालवा के तट पे डिफीट किया था उसके बाद थोड़ा और आगे आए तो एक और राजा हमको बड़े इंपॉर्टेंट मिलेंगे उनका नाम था बुद्धगुप्त 484 एडी से लेके 485 एडी तक चार आ, चौरासी से चार सौ एडी तक अब इनके टाइम पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जैसे हमने बोला कि एरन के अंदर हमको शिलालेख मिलता है और वो जो शिलालेख है वो बिलोंग करता है आपके गुप्त डायनेस्टी को या आपके जो चंद्रगुप्त सेकंड थे तो उनके टाइम पर सॉरी जो समुद्रगुप्त थे उनके टाइम पर वो शिलालेख आपको बना या एक बुद्ध स्तंभ वहां पर आपको खड़ा किया एक स्तंभ खड़ा किया गया इसके पहले हमने जो देखा था कि मध्य प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है या दो इंपॉर्टेंट शिलालेख है एक शिलालेख हमको वैष्णविज्म का मिलता है आपके विदिशा के अंदर जिसको हम लोग हेलोडरिस पिलर के नाम से जानते हैं और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पिलर है वो हमको बुद्ध जो बुद्धगुप्त है उन बुद्धगुप्त के टाइम पर आपको स्टैब्लिश हुआ अब बुद्ध गुप्त के टाइम पर इनका एक मंत्री था उसका नाम था इट्स कॉल्ड द मात्र विष्णु तो जो विष्णु नाम का व्यक्ति था उसने ये एक इंपॉर्टेंट जो इंस्क्रिप्शन है ये इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो एरन के अंदर यहां पे खड़ा किया तो एक तो हमको हेलोडरस पिलर वहां मिला विदिशा में

इस समय पे देखा जाएगा तो जो हु है उनका लगातार इन्वेजन हुआ हूण ने यहाँ पे आसपास की रीजन जो है उनको और कैप्चर किया उसके बाद इन्हीं के टाइम पर इन्होंने एक सिक्का जारी किया इट्स कॉल्ड द मालवा टाइप सिक्का थी जो सिक्का आपको देख रहा है दिस इज कॉल्ड द मालवा टाइप सिक्का अब जो गुप्त राजा थे वो अलग अलग टाइप के सिक्के जारी करते थे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी गुप्त पीरियड में कि उनके जो सिक्के थे वो बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्कैटर्ड थे मोनोटेनस चीजें आपको नहीं थी जैसे कोई गरुड टाइप सिक्का हो गया कोई वीणा टाइप सिक्का हो गया जिसको लीरा टाइप भी बोला जाता है या कुमरा टाइप सिक्का हो गया मालवा टाइप सिक्का हो गया तो जहां पर साम्राज्य था वैसे अजीब अजीब सिक्के अलग अलग तरीके से जारी करते थे तो मालवा टाइप जो सिक्का उन्होंने जारी किया ये इंफॉर्मेशन हमको देता है कि उन्होंने आ, आ, मालवा के अंदर लंबे समय तक आपको शासन किया अब यही एरण में जहां पर ये इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है वहां पर एक और इंस्क्रिप्शन हमको मिलता है जिसको हम बोलते हैं सती इंस्क्रिप्शन और बोला जाता है कि सती की जो पहली जानकारी है भारत के अंदर हम पढ़ते हैं ना कि सती की पहली जानकारी अः आपके मध्य प्रदेश के एरेंट से यहाँ पर आपको प्राप्त हुई एमपीजी के बहुत रटा है, आपको फैक्ट है तो जो राजा बुद्धगुप्त थे इन्हीं के टाइम पर ये इंस्क्रिप्शन या जो सती अभिलेख है सती अभिलेख यहाँ पर आपको लिखा गया और इसके थोड़ा आगे के टाइम पर तो उसका पीरियड तकरीबन मिलता है पांच से पांच तो हो सकता है कि बुद्धगुप्त के टाइम पर इसके बाद कोई राजा हुए होंगे उनके टाइम पर ये सती पिलर जो है उस सती पिलर को लगाया गया और उसके टाइम पर राजा थे उसका नाम था भानुगुप्त है ना कौन थे बुद्धगुप्त उनके बाद आगे राजा हुए भानुगुप्त अब यहां पर आपको दो चीजें आपको ध्यान रखना है कुछ बुक्स में या कुछ जानकारियां हैं वो आपको बताएंगी कि बुद्धगुप्त के के टाइम टाइम पर पर ये ये पिलर है बुद्धगुप्त बैटल हुआ और कुछ जगह आपको मिलेगा कि भानुगुप्त के टाइम पर हुआ इतिहासकारों में लेकर थोड़ा सा डिबेट है कि, कि किसके टाइम पर आपको हुआ लेकिन जनरली माना जाता है कि जो भानुगुप्त हैं उनके टाइम पर एक बैटल हुआ और उस बैटल के अंदर उनका जो सेनापति था उसका नाम था गोपराज गोपराज यहां पर आपको डिफीट हुआ और युद्ध भी माना जाता है कि जो तोरामण करके जो हूण राजा थे ना युद्ध हून राजा तोरामण तो उनके अगेंस्ट ही बैटल होता है और उनके अगेंस्ट बैटल के अंदर जो गोपराज है या गोपीराज राज है, गोपी राज मारे जाते हैं और उसके बाद उनकी जो पत्नी है वो वहां पर सती हो जाती है और वहां पर फिर उनके नाम से जो सती इंस्क्रिप्शन है सती अभिलेख है वो सती अभिलेख यहां पर आपको लिखा जाता है तो देश का या भारत का पहला सदी का अभिलेख जो है एरन के अंदर मिलता है और किसके टाइम पर गोपराज की जो पत्नी या गोपीराज की जो पत्नी थी उनकी मृत्यु के बाद वो पिलर को यहाँ पर आपको लगा फर्स्ट इंस्क्रिप्शन पहला चला लेख और साथ में ये जो पिलर है ये तो आपको जो बोलते हैं जनादन पिलर जो है ये तो यहां पर विदिशा में हमको मिलता ही है सॉरी एरन में आपको मिलता ही है तो दोनों चीजें यहां पर आपको याद रखना ठीक है ये कई बार आपको इन्फॉर्मेशन आपको या कई बार एग्जाम में आपको आ जाएगा उसके बाद ऑलिकार्स के टाइम पर भी हमको इनके बारे में जानकारी आपको मिलती है एक रिस्थाल करके इंस्क्रिप्शन है वो भी तोराम की और आपके जो गुप्त राजा या जो आपके ओलिकार राजा हैं उनके बीच के बीच में जो बैटल था उसके बारे में रिस्थाल इंस्क्रिप्शन भी यहाँ पर आपको बताता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो है राजाओं के बारे में यहां पर आपको याद रखना चलिए यहां तक क्लियर है ये उनके पोलिटिकल हिस्ट्री होगी राजनीतिक इतिहास हो गया यहां तक तो कोई डाउट हो तो पूछ लो चलिए तो ये बात हुई आपके मध्य प्रदेश में गुप्त पीरियड की अब उसके बाद गुप्त पीरियड में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वास्तुकला है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इन्होंने खुद ने कई सारे टेम्पल्स बनवाए कई सारे केव्स हमने बात की बाघ केव के बारे में बात की उदयगिरी केव के बारे में बात की तो इन केव्स के बारे में थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन से केव्स बनी और स्कल्पचर के अंदर या वास्तुकला के निर्माण में उन्होंने क्या चीजें की क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा गया कि एमपीपीएससी जो है वो स्कल्पचर के ऊपर या आर्किटेक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चन आपको ज्यादा आ रहे हैं तो थोड़ा सा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में भी हमको पता होना चाहिए ठीक है अब इसके अंदर सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो समुद्र गुप्त है उनके टाइम पर हमको पता चलता है कि द म्यूजिशियन या वो एक वीणा जो है वीणा बजाते थे उनको भी म्यूजिक बड़ा पसंद था और जो उदयगिरी की केव है तो उदयगिरी की केव में एक एक इंपॉर्टेंट केव है उस केव में हमको वीणा बजाते हुए उनकी जो मूर्ति है उसको इस इंस्ट्रूमेंट को लीरा कहा जाता है तो इनके जो हैं उसके अकॉर्डिंग लीरा है इतिहासकारों ने बोला कि लीरा मतलब वीणा एक ही बात है ज्यादा अंतर नहीं हो सकता उस समय पे इस तरह का कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रहा होगा जो समुद्र आपको बजा रहे हैं जिसको लीरा कहा जाता है तो लीरा जो है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट था जो बुद्धगुप्त जो है बुद्धगुप्त ये सॉरी स्कंद गुप्त समुद्र गुप्त जो है उसको बजा रहे हैं यहाँ पे तो उसके बारे में हमको जानकारी जो है विदिशा इंस्क्रिप्शन जो है विदिशा शिलालेख से यहां पर आपको मिलती है उसके बाद अगर इनके महलों की बात करें तो इस समय तक भी जनरली माना जाता है कि ये लोग जो है वो जो लकड़ी के महल हैं लकड़ी के महल बनाते होंगे उनके जो बेस है वो जरूर बनाते होंगे लेकिन बेस के ऊपर फिर लकड़ी के महल बनते तो इनका कोई महल हमको यहाँ पे ज्यादा जानकारी यहाँ पर आपको नहीं मिली लेकिन फिर भी जो दशपुर है तो दशपुर के अंदर एक लेखक थे उनका नाम था वत्स्यट्टी तो वत्स्य भट्टी जो है उन्होंने जो इंस्क्रिप्शन लिखा मंसौर इंस्क्रिप्शन वहां पर उन्होंने बताया कि जो दशपुर के अंदर इनका जो महल था वो माउंट कैलाश जो है उसके बराबर था तो उसने कंपैरिजन किया माउंट कैलाश मतलब भगवान जो शिव का जो मतलब डिपिक्ट किया कि भगवान शिव का जो मंदिर वहां पर है या उनका जो महल है भगवान शिव का कैलाश के ऊपर किसी ने देखा नहीं था लेकिन एक जनरल एक बोलते ना कि एक कल्पना उन्होंने की कि वैसे ही जो है इनका भी महल हुआ करता है तो सुंदर और उतना तो बड़ा महल हुआ करता होगा तो वो इन्फॉर्मेशन जो है दशपुर से हमको मिलती है उसके अलावा कई सारे टेंपल भूमरा तिगवा नचना कटोरा ये तमाम टेंपल्स उन्होंने मध्य प्रदेश में ईस्टर्न मध्य प्रदेश में आपको बिल्ड किए तो टेम्पल आर्किटेक्चर या मंदिर निर्माण है उनके लिए तो गुप्त राजा जो है वो जाने जाते थे उसके बाद जो पेंटिंग की बात करें तो गुप्त राजाओं के टाइम पर जो पेंटिंग है वो पेंटिंग भी बड़ी यहां पर आपको फेमस थी अब पेंटिंग में अगर देखा जाए तो अजंता एलोरा की जो केव्स हैं उन केव्स में भी लगभग लगभग गुप्त पीरियड में वो केव खैर अजंता एलोरा की जो केव है वो गुप्त पीरियड से लेके तो सतवाहन और उसके बाद और भी आगे समय तक आपको डेवलप हुई लेकिन मेन जो उनकी स्टार्टिंग मानी जाती है कि जो गुप्त पीरियड की जो केव है उन केव्स के अंदर गुप्त पीरियड के पेंटिंग आपको मिलती है तो पेंटिंग का इनिशियल डेवलपमेंट जो है वो भी गुप्त पीरियड के अंदर हुआ अब उसमें जैसे अजंता एलोरा में केव्स में आपको पेंटिंग मिलती है उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है उसका नाम है बाघ केव या बाघ की गुफाएं है ना बाघ नदी के किनारे है तो उसको बाघ केव कहा जाता है इट इज लोकेटेड इन तो द धार डिस्ट्रिक्ट धार जिले में तो धार जिले के अंदर बाघ केव है और इस धार जिले के जो बाघ केव है इन बाघ केव में आ, आपके अजंता एलोरा में जैसी मूर्तियां थी या वहां पर जैसी पेंटिंग थी सॉरी वैसे ही पेंटिंग यहां पे मिलती है खैर देखो अजंता एलोरा यहाँ से बहुत दूर है तो कुछ लोकल इन्फ्लुएंस या स्थानीय जो इन्फ्लुएंस है वो आपको जरूर मिलता है कि यहाँ पर जो केव है उन केव के अंदर उनकी जो बॉर्डर है वो थोड़ी सी मोटी बॉर्डर बनाई गई है जबकि अजंता एलोरा में आप देखोगे की इनके जो बॉर्डर है वो काफी थिन बॉर्डर है ठीक है लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में जो बुद्ध की ये जो केव्स बनी है आपके बाघ में उनके थोड़ी मोटी बॉर्डर है और भी कई सारे बेसिक चेंजेस यहाँ पर आपको हैं तो ये बाघ केव जो है वो उन्हीं के समय पे इसका निर्माण किया गया और उस समय पे क्योंकि गुप्त के टाइम पर केव्स का बड़ा शौक चला करता था केव्स बड़ी फेमस हुआ करती थी तो समय ही उन्होंने उन केव्स का निर्माण किया और उन केव्स में पेंटिंग वगैरह भी यहाँ पर आपको बनी जो गुप्त पीरियड की आपको मानी जाती है अब ये जो पूरा जो बाघ केव है इसके अंदर ऐसे तो पांच केव इंपॉर्टेंट केव है पांच महत्वपूर्ण केव है जिसमें से एक जो है केव नंबर फोर इट्स कॉल्ड द रंग महल ये एक सबसे इंपॉर्टेंट केव मानी जाती है क्योंकि जो भी बेसिक डिस्क्रिप्शन है या जो अभी तक सबसे ज्यादा जो सरवाइव जिसको हम कर पाए हैं वो तो केव नंबर फोर इट्स कॉल्ड द रंग महल तो उसमें कई सारी पेंटिंग्स मिलती हैं इवन यहाँ पर हमको जो अब देखो पीरियड तो गुप्त का है लेकिन उसके बावजूद भी हमको बुद्धिस्ट कई सारी चीजें हैं या बुद्ध धर्म की कई सारी चीजें हैं वो मिल जाएंगी बुद्ध के चरण कमल वगैरह आपको मिल जाएंगे तो बुद्ध धर्म के जो है काफी डेवलपमेंट हुआ जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बुद्ध के समय के जो जातक स्टोरीज हैं उन जातक की स्टोरीज को डिफाइन किया गया फिर यहां पे गज या हॉर्स मतलब जो भी बुद्ध के समय के जैसे गज है गज मतलब हाथी होता है तो हाथी और लोटस ये बुद्ध के जन्म को यहां पर आपको बताते हैं कि जब बुद्ध का जन्म हुआ तो मतलब बुद्ध जब आपके माँ के गर्भ में जब गए तो उनकी माँ को सपना आया कि एक एक, एक गज है या एक हाथी है वो अपने सूंड के अंदर उसने एक कमल को दबा रखा कमल का जो फूल है उसको दबा रखा है और उनके आसपास तीन चार बार घूमा और उनकी वॉम में उनकी कोक में एंटर कर गया तो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है तो वो गज हो गया हॉर्सेज हो गए हॉर्स भगवान बुद्ध का जो जो ग्रह त्याग है उसको महाभिनिष्क्रमण जो है उसको डिफाइन करता है वो ग्रह त्याग करके वापस गए और जो जंगल में गए उसको डिफाइन करता है तो ये तमाम जो जातक स्टोरीज वगैरह है बाकी चीजें बताई गई जो कहीं ना कहीं ये शो करती है कि बुद्ध उस समय पे उस ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको बुद्धिज्म जो था वो मध्य प्रदेश में आपको था और वो गुप्त पीरियड में उसका विकास यहां पर आपको हुआ ठीक है उसके बाद बुद्धिस्ट पिलर की हम बात करेंगे तो जैसे हमने जब वो पढ़ा था मौर्य पीरियड पढ़ा था तो मौर्य पीरियड में भी हमने देखा था कि मौर्य पीरियड में भी कई सारे पिलर्स बनाए गए तो जो सांची है ये बुद्धिज्म सॉरी आपका मौर्य सतवाहन और गुप्त तीनों के बारे में डिफाइन करता है है ना साथ में शुंग के बारे में भी डिफाइन करता चौथा और ऐड कर लेना शुंग के बारे में आपको डिफाइन करता है। तो यहां पर कई सारे बुद्धिस्ट पिलर आपको मिले हैं अब ये टेम्पल जो मैंने आपको बताया था ये भारत का पहला टेंपल या हिंदुओं का पहला टेंपल आपको माना जाता है ठीक है जो हिंदू धर्म या वैष्णव धर्म है उसका पहला टेंपल आपको माना जाता है अब टेंपल कितना सिंपल है देखो ठीक है इट्स कॉल्ड द टेंपल नंबर 53 अब इस टेंपल में क्या है आ, अंदर सेंटम सेंटोरम है जिसको हम लोग गर्भगृह बोलते हैं तो सिंपल सा गर्भगृह है आगे एक इट्स दिस दिस दिस, दिस पीरियड ये जो है इस पार्ट को बोलते हैं मंडप मंडप बोला जाता है मंडप बाहर वाला पार्ट फिर ये पिलर यहाँ पे बने हैं डेकोरेटेड पिलर है, हाँ है।, तो जो जो है तो तो स्तर के हाँ पर आपको है। साउथ में जब चोल पीरियड में जाओगे या जो द्रविड स्टाइल में जाओगे तो द्रविड स्टाइल में महेंद्र टाइप मंदिर मिलेंगे जो केव को काट के बनाया गया प्रकार से गुप्त टाइप के मंदिर है जो नॉर्मली कंस्ट्रक्ट किया गया अब यहां पर रिलेटेड है, तीनों आपके से है। यहां पर जितने भी पिलर मिले वो बहुत घटिया क्वालिटी के पिलर हैं क्योंकि जो पिलर बनाने का जो हुनर था वो मौर्य के पास था वो, वो हुनर शायद हो सकता है कि गुप्त राजा जो है उन गुप्त राजाओं के पास आपको नहीं रहा हो उनके पीरियड में आपको नहीं रहा हो इसलिए यहाँ पर जो पिलर बने हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे पिलर आपको नहीं है ऐसे नॉर्मल उन्होंने पिलर बना दिए जिसमें डेकोरेशन वगैरह भी प्रॉपर तरीके से आपको नहीं किया गया उसके बाद कई सारे ब्राह्मणिकल जो उदयगिरी है वहाँ पे कई सारे ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर आपको मिले हैं जैसा अभी आपको मैंने बताया कि चंद्रगुप्त तो सेकंड है इनके जो संधि विग्राहक थे वीर सेन उन्होंने उदयपुर के उन्होंने उदयगिरी के अंदर जो केव्स हैं उन केव्स का निर्माण किया और उसमें से एक केव के अंदर जो राजा विक्रमादित्य है उनके बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने यहां पर आपको दी उनके बारे में जानकारी उन्होंने आपको प्रोवाइड किया तो ये ब्राह्मणिकल स्कल्चर यहां पर मिलता है उसके बाद उसी पीरियड में कहां पर आपके उदयगिरी के अंदर आप जाएंगे तो उदयगिरी के अंदर भी केव नंबर छह सात सोलह सत्रह उन्नीस कितनी केव है टोटल बीस केव है बीस केव में से केव नंबर वन और केव नंबर ट्वेंटी एक और बीस ये दोनों केव जो है वो जैन धर्म की केव है फिर छह सात सोलह सत्रह उन्नीस छ सात सोलह उन्नीस तीनों जो केव है, ये शैव धर्म की शेव केव है शेव मतलब भगवान जो शंकर है उनको डिफाइन आपको कर दिए क्योंकि उस समय पे अगर देखा जाए तो उस समय पे, तो उस समय पर अगर देखा जाए तो उस समय पे वैष्णविज्म और शैविज्म दोनों सेपरेट थे कुछ लोग विष्णु की पूजा करते थे कुछ लोग शिव की पूजा करते थे तो जो शैविज्म वाली जो केव है वो शैविज्म वाली ये पांच केव मिलती है दो बुद्धिज्म वाली केव मिलती है पांच और दो साठ और बाकी जितनी भी तेरह केव हैं सभी केव जो है वो ब्राह्म जो वैष्णविज्म है वैष्णविज्म को यहाँ पर आपको सपोर्ट करती है वैष्णविज्म के बारे में आपको बताती है अब जितनी भी केव है ये बनाई गई रामगुप्त कुमार गुप्त और चंद्रगुप्त के टाइम पर ठीक है रामगुप्त वही जिनके बारे में उदयपुर में इन्फॉर्मेशन मिलती मूर्ति मिलती है दुर्जनपुर में विदिशा में वो रामगुप्त चंद्रगुप्त का जो संधि वि था उसने यहां पर उसके लिए केव बनवाई और उसके साथ में हमको जो कुमार गुप्त है उन कुमार गुप्त के बारे में भी जानकारी मिलती है तो इन तीनों राजाओं के टाइम पर इन केव का यहाँ पर निर्माण आपको किया गया अब इस केव में सबसे इंपॉर्टेंट जो केव है वो है केव नंबर पांच दिस केव नंबर इज कॉल्ड द वराह अवतार या वराह मूर्ति कहा जाता है अब जो वराह अवतार या मूर्ति है इसमें आप देखोगे ये शायद नहीं होगा दिख रहा होगा आपको बड़ी इमेज लगाई मैंने तो इसके अंदर ये भगवान जो विष्णु है उनका वराह अवतार है भगवान विष्णु जो अवतार लिए तो आठ अवतार माने जाते हैं उसमें से एक वराह अवतार, तो वराह जैसा या बोल सकते हैं वरहा जैसा अवतार उन्होंने आपको लिया और जो पृथ्वी है तो हिरण्य कश्यप करके नाम का एक राक्षस था वो हिरण्य कश्यप वो नहीं हिरण्य कश्यप करके एक राक्षस था उस राक्षस ने क्या किया कि पृथ्वी को कैप्चर कर लिया और पृथ्वी को कैप्चर करके पाताल के अंदर आपको छुपा दिया और फिर उसके बाद भगवान विष्णु ने वराहा अवतार यहाँ पे लिया और वराह अवतार लेके जो पृथ्वी है उनको उनकी जो कैद है उससे मुक्त कराया ये यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक लेडी यहाँ पर आपको लटकी हुई है ये पृथ्वी माता है पृथ्वी माना गया तो पृथ्वी को उन्होंने वहां से आपको निकाला पृथ्वी को आजाद कराया तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट केव है और इन केव के अंदर आसपास आपको जो कुछ कुछ छोटी छोटी पेंटिंग्स आपको दिख रही है दिस इज कॉल्ड द मातृकाएं ये मातृकाएं यहां पर आपको है अगर इसको डिटेल में आपको जानना है तो मेरा एक वो है एक ब्लॉग चैनल है पवन चौधरी ब्लॉग्स तो वहां पर उसमें जाना पवन चौधरी ब्लॉग्स में वहां पर आपको उदयगिरी की उसकी और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी पूरा उदयगिरी मैंने उसमें दिखाया है पूरा घूमा है तो ये वराह जो केव है वो वराह केव यहां पर आपको है केव नंबर फाइव नंबर भी याद रखना एग्जाम में नंबर आ सकता है तो ये पहली बार हमको इस प्रकार की वराह उतार की इंफॉर्मेशन मिली उसके बाद भगवान गणेश महिषासुर मर्दनी और और भी कई सारे जो देवी देवता हैं उनके पहला जो डिपेक्शन है या पहली बार उनकी कोई स्कल्पचर या कोई मूर्ति है वो हमको विदिशा या उदयपुरी उदयगिरी के अंदर यहाँ पर आपको मिलती है दिस इज द वेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमको यहाँ पर आपको मिलती है और जो उदयगिरी की जो केव है ये भारत की पहली वैष्णव या वैष्णविज्म वाली केव या पहली ब्राह्मणिकल केव इनको माना जाता है कि मतलब ब्राह्मण धर्म या बोल सकते हैं जो हिंदू धर्म है से संबंधित यहां पर आपको पहली केव यहां पर आपको मानी जाती है ठीक है उसके बाद एक और केव यहां पर इट्स कॉल्ड द केव नंबर थर्टीन उदयगिरी के अंदर ही केव नंबर थर्टीन है अब इस केव नंबर थर्टीन में भगवान जो विष्णु है अगेन उनको डिपेक्ट किया गया है और भगवान जो विष्णु है वो शेष सैया जिसको हम बोलते हैं तो भगवान विष्णु जो है वो शेष सैया मतलब जो नाग जो शेष नाग था शेषनाग के ऊपर आपको लेटे हुए हैं और उनके ऊपर लेट के आराम करते हुए इनको आपको दिखाया गया तो तकरीबन 3.6 मीटर लंबी आपको ये पूरी मूर्ति है बड़ी सी मूर्ति यहाँ पे बनी है भगवान विष्णु यहाँ पर आपको लेटे हुए हैं और इसके आसपास एक, 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 एक लिपि हमको मिलती है उसको बोलते हैं शंख लिपि शंख लिपि है उस शंख लिपि के अंदर आसपास कई सारी इंफॉर्मेशन कई सारी जानकारियां या कई सारे मतलब आ, जान कई सारे इंस्क्रिप्शन वहां पर आपको लिखे गए हैं जिनको अगेन आज तक हम लोग आप नहीं पढ़ पाए तो केव नंबर पांच और केव नंबर तेरह जो है वो तीनों दोनों इंपॉर्टेंट है उसके बाद बुद्ध पीरियड में गुप्त पीरियड में जो तिगवा टेम्पल है तो तिगवा टेम्पल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना अब ये तो केव हो गई टेम्पल की बात कर लेते हैं ठीक है तो टेम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तिगवा टेम्प है जिसको कंकाली टेम्पल कहा जाता है इट्स लोकेटेड इन द कटनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको लोकेटेड है और ये जो मंदिर है ये आपका इस मंदिर के अंदर दिस इज द तिगवा टेम्पल अगेन यहां पर भी आपको किसी प्रकार का को कोई भी शिखर है वो नहीं दिखाई देगा सबसे शुरुआती जो गुप्त मंदिर है उनमें से यहाँ पर आपको एक है और इसके अंदर हमको इसके जो बाहर वाले पिलर हैं वहां पर हमको दो चीजें मिलती हैं एक मकर वाहिनी गंगा और कच्छप वाहिनी यमुना तो माँ यमुना और माँ गंगा दोनों जो अः आपकी जो देवियां हैं तो वो अपने अपने वाहन के ऊपर आपको बैठी हुई उस मंदिर के बाहर दिखाई दीजिए ना कई बार देखा होगा मंदिरों के बाहर इस प्रकार की चीजें आपको बनी हुई होती हैं तो ये दोनों चीजें हमको तिगवा मंदिर के अंदर आपको मिल जाएंगी फिर एक और टेम्पल है इट्स कॉल्ड द पार्वती टेम्पल ऑफ द नशना कटुरा चेहरा सतना के अंदर आपको लोकेटेड है ठीक है और ये मंदिर जो है ये मंदिर भी फिफ्थ सेंचुरी में आपको बनाया गया पांचवी शताब्दी में आपको बनाया गया और ये जो टेम्पल है ये आपके माना जाता है कि नाग टाइम पर आपको बनाया गया फिर शिव टेंपल है भूमरा के अंदर ये भी आपका भगवान जो शिव है भगवान शिव को डेडिकेटेड एक इंपॉर्टेंट यहां पर आपको टेम्पल है इट इज लोकेटेड अगेन इन सतना तो सतना के अंदर एक जगह है नागोद स्टेट था उस नागोद कि गुप्त पीरियड के समय पे जो नाग राजा थे उन नाग राजाओं ने इसका निर्माण किया क्योंकि यहां पर कई सारे जो नाग राजा है उनके बारे में हमको इसके अंदर इंफॉर्मेशन आपको मिलती है इट्स कॉल्ड द भारत उसको कहा जाता है भारत शिव का मतलब कि जो नाग राजा थे वो अपने सिर के ऊपर या अपना जो

तो नाग राजाओं ने फिर से अपना आक्रमण करके या उस रीजन को फिर से कंट्रोल कर लिया तो उस समय पे जो ये मंदिर है भूमरा का उनके द्वारा यहाँ पर आपको बनाया गया तो ये कुछ चीजें आपको याद रखना ठीक है तो ये है फिर केम नंबर टू और केम नंबर जो वन और ट्वेंटी है ये आपके जैनिज्म से रिलेटेड है उसके बाद दुर्जनपुर के अंदर जानकारी मिलती ऑलरेडी हम उसके बारे में आपको बात कर चुके हैं तो ये आ, 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 आपके जो गुप्त पीरियड था यह मध्य प्रदेश के अंदर गुप्त वंश और गुप्त वंश की जो आर्किटेक्चर या वास्तुकला है वो तमाम चीजें भी आपने देख ली उसके साथ में आ, अगर आप इस प्रकार के और कोर्सेज देखना चाहते हैं तो अन का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसको जाके परचेज कर सकते हैं और अन के प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए सिंपली आप मेरा जो कोड है पवन लाइफ पी ए वी ए एन L-I-V-E. कोड का यूज करेंगे 27 27 उन्नीस के लिए भी एक कोर्स लॉन्च हुआ है जहां पर मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री है वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो वो भी एक कोर्स लॉन्च हो चुका है उसके अलावा पेपर थ्री पेपर टू और पेपर वन इनके कोर्सेज अभी के टाइम पर आपको रनिंग है पेपर वन टू थ्री के कोर्सेज चल रहे हैं उसके साथ पेपर टू थाउजेंड नाइनटीन का भी सीरीज आपको लॉन्च किया है तो इसे कई सारे कोर्सेज अभी के समय पर चल रहे हैं टू लाइव मेंटरशिप भी आप चीज अटेंड कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इनकी पीडीएफ अगर आपको प्लस में मिल जाती है इनकी पीडीएफ नोट मिल जाएंगे इस लेक्चर की भी मिल जाएंगे लेकिन वहां पर रेगुलर आपको लेक्चर से ही आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो मेंस के दो दो कोर्सेज अभी चल रहे हैं पेपर वन का पार्ट ए हिस्ट्री वाला पार्ट वो भी बहुत जल्दी आपको आने वाला तो ये तमाम कोर्सेज के माध्यम से आप अपनी जो प्रिपरेशन है इस प्रिपरेशन को स्ट्रांग कर सकते हैं और अभी जाके प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग कीजिए चलिए सो दैट्स अब दिस लेक्चर थैंक यू हाँ और कल भी जैसे शनिवार कल लेक्चर नहीं हो पाया था तो एक लेक्चर कल होगा शनिवार को ठीक है तो वैसे शनिवार रविवार इसकी क्लासेस नहीं होती कल गैप हो गया था तो अपन आ, कल भी इसका क्लास आपको सेम छ बजे आपको रहेगा है ना चलिए